अभी एक और चर्चा चल रही है कि बच्चों में भी इसका संक्रमण हो रहा है, तो डूंगरपुर जिले के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि मार्च अप्रैल मई यानी कि विगत तीनों महीने में जो 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें पॉजिटिव होने का जो ट्रेंड है वो सेम है, उसमें किसी प्रकार की अप्रत्याशित रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है या कहीं से ऐसी न्यूज मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मिली कि इतने सारे बच्चे संक्रमित हो गए, तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संख्या भी सही नहीं है और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2-3-4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं इसलिए वो भी आ जाते हैं। जिले में पिछले 6 महीने में ना ही तो किसी बच्चे की कोरोना से डेथ हुई है और ना ही ऐसा कोई सीरियस केस आया है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाना पड़े। एक केस में क्योंकि उसके पेरेंट्स संक्रमित थे, मदर भी हॉस्पिटल में थी, बच्चा घर पर अकेला था तो मदर ने उसको हॉस्पिटल में अपने साथ रखा था, वो भी स्वस्थ था। व्यक्तिगत मेरे द्वारा भी 1-2 बार मुलाकात उनसे की गई थी। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।